अभी सो क्यों उठा हूँ, बस रात के शायद 3 बज रहे हैं, बस आपसे रेडी हो गया। तो गाइस अभी रात के 4:20 हो रहे हैं और आज मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं उड़ीसा के सीन्स और मैं आज क्या क्या करता हूँ, तो देखते रहे इस वीडियो को, कीप वॉचिंग। चार बजे से हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, लग रहा है बैतरानी तीर्था, शायद यही है बैतरानी तीर्था। सामने में एक मंदिर है इधर, में कुछ सॉन्ग बज रहा है जो कि मुझे एकदम दिमाग के पार जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक चीज़ है यहाँ की कि जगह तो एक तरह से बहुत ही अच्छा है, फुल है, मंदिर है और नदी और पत्थर, जो भी बहुत अच्छी जगह है। इतनी देर सुबह में बैठ बैठ के एकदम बॉडी पेन करने लगा है, अब सुमो से निकले हैं तो थोड़ा ठीक लग रहा है, चल रहा है। नॉर्मली पता चले कि हम लोग स्वाम पटना में हैं, ऐसी कुछ प्लेस है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ कर, उसको सही पता होगा कमेंट सेक्शन में स्पेलिंग के साथ बताना, स्वाम पटना। आखिरकार पहुंच ही गए हम लोग घट गांव का टेंपल, टेंपल का नाम है माँ तारिणी टेंपल। थोड़ी देर में अंदर जाके इसको दिखाते हैं कैसा है टेंपल, कैसे नहीं। फिलहाल फैमिली वाले सब पूजा पाठ के सामान ले रहे हैं, खाने पीने का सामान। मेरे फूफू दिखाएगी, दिखाओ क्या क्या है। ये है दिल शेप है, क्या क्या है इसके अंदर। खोए है, नारियल है, नारियल ब्राउन मीठी खोए है और ये वाला लड्डू है, नारियल का लड्डू है। ये हमको भी नहीं पता क्या है, अगर जिसको पता चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। फिलहाल का सीन ये है, टेम्पल आ गए हैं, रोड में भटक रहे हैं और हम लोग कड़ा खोज रहे हैं हाथ में पहनने वाला, देखते हैं कहाँ पर अच्छा कड़ा मिलता है। हाय बोल दो यूट्यूब को, हाय। कड़ा खोज रहे मस्त वाला, बट यहाँ पर कोई ढंग का कड़ा नहीं मिल रहा है, देखते हैं मिलता है कि नहीं।
डिजाइन है ये ला, ये पॉड, ये क्या बोलते हैं पता नहीं इसको हिंदी में, उस शेप में बना है। ऊपर में नारियल या डब है और अंदर में इसका पानी है और नीचे में यहाँ पर ही है पानी गढ़ा। हाँ याद आ गया, गढ़ा का शेप में ये बना हुआ है। ऊपर में ये है और यहाँ पर इसके पानी। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। ऊपर से मैंने जैकेट पहन रखी है लेदर वाली। बहुत गर्मी, बहुत बहुत मच हॉट है। बाद में मुझे अंदर जाना है कैमरा लेके, बट अभी अभी पता चला है कि मंदिर के अंदर कैमरा लेके जा नहीं सकते हैं। फोन्स अलाउड नहीं है, बैग्स अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर शूट नहीं कर सकता। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सीन आपको बाहरी से दिखा दिया ताकि आप अंदर थोड़ा बहुत देख सको। देखता हूँ अगर अंदर किसी तरह से मिलता है मुझे जाने, तो मैं कोशिश करता हूँ चुपके से फ़ोन लेके जाने का। बट मुझे नहीं लगता अंदर जाने मिलेगा कि फ़ोन से ले, क्योंकि वहाँ पर ही चेक हो रहे हैं, गार्ड्स हैं। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं। हम लोग का ट्रिप आज एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। बस यहाँ से निकलने को हैं, देखते हैं फिर कहीं जाएंगे और पेट पूजा करते हैं अच्छा से। हम लोग सब कोई अभी आ गए हैं घर तरफ, तो घर पहुंच चुके हैं। तो चलो ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप सेकंड ब्लॉग पे।